मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मोड में पूरी तरह से आ चुके हैं, नित नई कोई ना कोई ऐसी घोषणा कर रहे हैं जिसको लेकर जनता में अलग ही तरह का एक उत्साह देखने को मिल रहा है इन दिनों में। और अभी हमारे बीच में राजस्व मंत्री रामलाल जाट मौजूद है। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री की घोषणाएं हो रही है लगातार किसी न किसी बात को लेकर, कोई ना कोई हर रोज नई घोषणा आ रही है, आप कैसे देखते हैं सर एज ए राजस्व मंत्री? मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पदयात्रा निकाली जिसकी बदौलत मुख्यमंत्री जी ने वो तमाम चीज़ें जो आम जनता ने राहुल जी से मांग की उनको मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट करके धरातल पर ले आए। इसका फायदा, इसका सर कहना कि सर आपको राहत कैंप जो लगा रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि आपको हर कैंप में आप जा रहे हो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में? ये सोशल ऑडिट होती है हमारी, हम जब माइक में बोलते हैं कि किस बच्चे को ड्रेस मिली, किसको सिलाई के पैसे मिले नहीं मिले, जब मैं बताऊं लोग हाथ खड़े करते हैं, मन से अशोक गहलोत जी को दुआ दे रहे हैं। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, पुण्य का काम। आज मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि आप समझें अशोक गहलोत जी को, बिना जाति बिना धर्म भेदभाव बिना कुछ किए सबके लिए जन कल्याण की योजनाएं लागू की, ऐसे आदमी को जिंदा रखना राजनीति में बहुत जरूरी है। सर एक चीज और, जिस तरह से आप खुद किसान के बेटे हैं सर, हाल ही में एक बजट घोषणाओं में से जो चीज घोषित की थी किसान के लिए, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकते हैं आने वाले समय में, आपके विभाग का मामला है जमाबंदी में नकल में, जिस तरह से ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या इसमें खासियत है? देखो, मेरे विभाग में तो आमूल चूल परिवर्तन हम करने जा रहे हैं, कई फैसले से किए हैं, तो टाइम हमें कम मिलता है 5 साल का, अगर जनता में देंगी तो हम याद करेंगे कि राजस्व विभाग में वो तमाम बदलाव बिना नक्शे जरी के ऑटोमेटिक नापना करना, ये कोर्ट केसेज मुकदमे जो लोग घूमते हैं सारे के सारे लगभग ऐसी शोले हम कर देंगे, झगड़ों का निस्तारण तीव्र गति से हो और जो मुकदमे चल रहे हैं वो डिस्पोजल फास्ट हो। अभी हमने घोषणा की, अब निःशुल्क धारा ऐप के माध्यम से नकलें मिल रही, थोड़ा सा शुल्क लगता वो सारा फ्री कर दिया। तो ये थे हमारे बीच में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिनका कहना है कि कांग्रेस ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से हमारे देश का किसान आगे बढ़े, और किसान तभी आगे बढ़ेगा जब जो पुरानी पद्धतियां उनमें सुधार किया जाएगा। राजस्व मंत्रालय लगातार कुछ ना कुछ नया सुधार कर रहा है, अब किसान को सीधे उसके घर बैठे सारा जो सुविधा है वो मिले, उसको पटवारी के घर पे चक्कर नहीं लगाने पड़े, उसको पटवार हल्के में चक्कर नहीं लगाने पड़े, और गिरदावरी के से लेकर सारे कानूनी जो पेचीदगी हैं उससे उसको मुक्ति मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और उसकी शुरुआत में सबसे पहला काम ये किया गया कि धारा ऐप से जोड़ा गया, उसके बाद में अब दूसरा सबसे बड़ा जो नज़ीर जो है और जो आने वाले समय में बड़ी, जिसको कह सकते हैं बड़ी मिसाल पेश होगी पूरी देश दुनिया के लिए, वो ये हो रही है कि न तो जमाबंदी के लिए किसान को चक्कर लगाने पड़ेंगे, न किसान को शुल्क देना पड़ेगा, उसको सब चीज मुफ्त मिलेगी। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा।